गुजार हूँ आंटी का, इन्होंने मुझे मौका दिया है खड़े होकर कुछ दिखाने का कुछ भी। तो मैं बात करना चाहूंगा अपने देश की मीडिया के बारे में। बहुत आगे निकल गया है, उसका पीछे लौटना बहुत मुश्किल है। मुंबई में बाढ़ आई थी, हमारे देश के मीडिया पहुंच गए थे जगह जगह जगह, सबको वो सबकी किसी की मदद नहीं कर रहे थे, वो बस लोगों का इंटरव्यू मुंह में माइक घुसड़ के कर रहे थे। एक गांव में बाढ़ आई थी, मुंबई के बगल में जो कुछ गांव हैं वहां बाढ़ आई थी, वहां पहुंचे हुए थे कुछ लोग। पहली बार इंटरव्यू दे रहे थे, वो उन्हीं से ले भी रहे थे, एंटरटेनमेंट भी हो रहा था ना साथ में। एक आदमी इंटरटेनमेंट बताइए, तो उनसे पूछा गया, अच्छा बताइए कब आपको पता लगा बाढ़ आई है, रात में पता लगा, दिन में पता लगा, दोपहर में पता लगा? वो आदमी बेचारा शुरू में एकदम सस्पेंस में खड़ा है। हाँ बताइए शर्मा भैया बताइए। भैया हम और कजोदर रहे, रतिया में दारू पी के सो गए रहे भैया। देर रतिया में पहले पानी हमारी कानी उंगली तक पहुंचा, उसके धीरे धीरे हमें धोती में घुसना शुरू हुआ। जब हमारी तोन तक पहुंचा तो हमको गुदगुदी सी हुई, हम जाग गए। सुबह उठे तो देखा कि पूरा गांव पानी, गांव पानी। खटिया को नाव बना के मुंबई पहुंचे तो वहां की वही हालत थी, हम घबरा गए, बहुत टेंशन में थे। और फिर एक अबला नारी से इंटरव्यू लिया गया, उनका गांव की थी, वो ऐसे घुसते ऐसे इंटरव्यू लिया गया, वो घर से बाहर निकली एकदम, सब एकदम बहुत सस्पेंस वाला माहौल था। वो बाहर निकली, आई वाली, अच्छा तो कोई प्रॉब्लम है, कंबल मिल रहा है, सब सरकार से सब व्यवस्था हो गई है। भैया बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई, हमारे पति खो गए हैं, सब सामान तो रिकवर हो गया है, हमारे पति खो गए हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हो गया था, स्मार्टफोन एप्पल का कौन फ़ोन था रिकवर हो गया है, हमारे पति नहीं मिल रहे हैं, लेकिन क्या करें। आपके पति दिखने में कैसे थे? हमारे पति तो बड़े स्मार्ट थे भैया, ऐसे ऐसे बाल बनाते थे, जेल लगा के अपने बाल बहुत बढ़िया थे। सामने जो उनकी सांस खड़ी थी, बोली अरे चिंगुआ तो बहुत टकला था, पतला सा था, कहाँ एक थोड़ा था। अरे चुप रही, मीडिया वाले पड़े हैं ढूंढ देंगे। हाँ तो एक बार एक आदमी पानी में डूब रहा था, मीडिया वाले उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, उसके मुंह में माइक घुसड़ के बोल रहे हैं, अच्छा ये बताइए आपको इस समय कैसा लग रहा है? एक बार पानी से निकाल दियो, सारे चप्पल निकाल के बताएं कैसा लग रहा है। एक बार एक जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वहाँ न्यूज रिपोर्टर पहुंचे हुए थे, ये बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हुआ, अभी तक इसकी पड़ताल हुई नहीं, होती तो हम बता नहीं देते। वो वहाँ पे बम फटा था, तो एक आदमी उसमें बच गया था, वो खुद को ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, उसको खुद भी विश्वास नहीं हो रहा वो बच गया है। फिर उससे बोलो कि तुम बच गए हो, तुम जिंदा हो, घबराओ मत। न्यूज वाले उसकी मदद नहीं कर रहे, एम्बुलेंस से बुला रहे, उसके मुंह में माइक घुसा के बोल रहे हैं, अच्छा ये बताइए क्या ये बम था, क्या वो अचानक से फटा? बोले नहीं अचानक से नहीं फटा, पहले बम हमारे बाजू में आए, हमें देखकर थोड़ा सा शर्माए, फिर हमसे बोले मैं बम हूँ, और अगर बुरा ना माने तो फट लो। हम बोले भैया तो बुरा ही गए तो फट लो। फिर हमारे सामने आए और हमसे बोले पूछ और फट लो। भिखारियों की एक वैरायटी देखिए, भिखारियों की, हाजी अली दरगाह जी, मैं 2010 में गया था वहाँ, आराम से बैठे रहेंगे, अब कोई नहीं आ रहा, वो दोपहर में आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे पूछते भी हैं, पिज्जा बर्गर ऑर्डर किया, पानी पी लिया, नहीं बिसलेरी मिल नहीं रहा था। तब तक जब कोई इधर से वॉक करते आ रहा है, उनका धंधा शुरू, अल्लाह अल्लाह हस्तियों नबा अल्लाह। फिर एक बार मैं ऐसे ही गया था हजरत दरगाह पे, वो ऐसे बोलते हैं, आप बहुत स्पेशल आदमी, एकदम शुरू में एकदम शुरू से, पहली बार मंदिर कभी हाजी लिख दरगाह जाइए तो वहाँ पे लगेगा कि आप बहुत स्पेशल आदमी है, तू अल्लाह वाला बंदा लगता है, तू बोले जरा जरा बाबा ने तुझसे पैसा मांगा, तू बहुत खुश नसीब आदमी है, अल्लाह के नाम पे दे।
और कभी आप महालक्ष्मी के मंदिर जाइए तो वहाँ बड़े सॉफ्ट से भिखारी मिलेंगे आपको। आओ आओ, हमको 10 रुपया दे दे बाबू, हम रिचार्ज कराएंगे, गर्लफ्रेंड से बात करेंगे। बोला अच्छा, भिखारी ने गर्लफ्रेंड बनाया? अरे नहीं रे, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया। पहले सिर्फ हम लोग के देश में एक ही एयरलाइंस थी 1980s तक, इंडियन एयरलाइंस। वो बाद में बदल के एयर इंडिया हो गई। फिर एयरलाइंस बाहर से लग गई, लुफ्तांजा पुफ्तांजा, ऊपर खुल गया दरवाजा, नीचे खुल गया एयर एयर, बहुत सी इंडिगो, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, बहुत सी आ गई। उनमें कॉम्पिटिशन हो रहा था तो स्पाइस जेट ने सोचा, वहाँ पर एमरजेंसी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई वहाँ पर कि इंडियन एयरलाइंस के बहुत कस्टमर बढ़ गए हैं हमें, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो वहाँ पर एक एम्प्लॉय ने सजेशन दिया, उठ के अपने कुर्सी से उठी, सर हम ऐसा कर सकते हैं सर, हम प्लेन में धोबी बैठा सकते हैं सर, धोबी, अब धोबी करके वो कपड़ा धुल देगा, प्रेस भी कर देगा। यस सर इम्प्लीमेंट हो गया, आप आराम से एयरपोर्ट पे बैठे हैं, बैठे अनाउंसमेंट हुई, सीढ़ी की तरफ गए, सीढ़ी चढ़ी, एयर होस्टेस से नमस्ते नमस्ते किया, घुसते ही आपके एक आदमी कपड़ा उतारने लगा, बोले व्हाट आर यू डूइंग? अरे डूइंग वोइंग कुछ नहीं, अभी स्त्री मार के दे रहे हैं, बैठिए जाके सीटी आप। सीट पे गए तो 60-70 आदमी नंगे बदन बैठे हुए हैं वहाँ पे। अरे ठंड लग रही है यार, ग्रीन वाली शर्ट दे, अब इसको पहले प्रेस कर दे यार, टेम्परेचर बढ़ा दिया है। तो ये स्पाइस जेट के जो कस्टमर थे वो बढ़ गए, फिर जेट एयरवेज वाले टेंशन में आ गए, उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस बुलाया। एक इम्प्लॉय ने उठ के बोला सर हम ऐसे कर सकते हैं सर हम उसमें फ्लाइट में सर हम बॉडी मसाज दे सकते हैं सर। यस सर ताकि कोई ऑफिस जाना होगा तो उठते ही ऑफिस जा सकता है वो। इम्प्लीमेंट हो गया, आप आराम से एयरपोर्ट पर बैठे हैं, टहल तो प्लेन की तरफ गए, सीढ़ी चढ़ी, प्लेन में घुसे, सीट पे बैठे, प्लेन टेक ऑफ हुआ, नॉर्मल में आया। तब तक कुछ लोग से अपने कॉकपिट से और बाथरूम से निकले, चंपी चंपी मालिश चंपी, तुंडे तेरा फोकट में करूँ क्या, टिकट में इंक्लूड है। किसी ने करा नहीं, सबको बड़ा अजीब लगा। फिर अचानक से प्लेन ऐसे ऐसे हिलने लगी, ऐसे सब लोग उतरे, आदमी पूछा व्हाट इज गोइंग ऑन? अरे गोइंग ऑन कुछ नहीं, अभी पायलट मालिश ले रहे हैं, चंपी मालिश। मुंबई लोकल मुंबई जो ट्रेन हैं वो मुंबई की जान है, जान, उनके बिना मुंबई चलती नहीं, मुंबई रहती ही नहीं उनके बिना। इतनी भीड़ होती है आदमी एक एक नटबोल्ट पे लटका है, कभी खुजली हो जाती है एकदम, बहुत टेंशन हो जाती है, कभी खुजली करिए वहाँ पे तो सामने आदमी बोलता है अरे अपना अपना पेट खुल रहा यार हट। तो वहाँ पे ऐसे वहाँ के जो वहाँ पे आदमी गिनने लायक होते ही नहीं है, एक स्टेशन पे तीन आदमी उतरे 3000 चढ़ गए, वहाँ गिनने लायक नहीं होता है, वहाँ एक आदमी होता है, सिर्फ एक ऐसी चीज़ होती है, आदमी बोलना नहीं चाहूँगा उसको मैं, एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमियों को गिन सकती है, वो है पंखा। कोई बार गुस्से में वो गुस्से में गिन रही है, पावर ऑफ हो गया, आप बैठे रहो भाई सही बैठ, अब नहीं चलूँगा मैं। बहुत ही गुड अनुभव, बहुत अच्छा आप कर रहे हो बेटा, बहुत ही बढ़िया, तालियां बजा दीजिए अनुभव के लिए। अनुभव बेटा छोटे छोटे 2-3 डांस अभी लाइन में है, एक इनकी फोटो लिए सोलो।